क्रम से ही मैं अनुदेशक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो मुद्दा चल रहा है लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक, सर आज मैं हिंदुस्तान पेपर पढ़ रहा था, फ्रंट पेज की हेडिंग थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा शिक्षकों को ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, हमें मजबूर कौन करता है? उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आज 9000 रुपया में जीवन यापन करने को मजबूर है। 2013 में नियुक्ति हुई थी हमारी, 7000 रुपया हमें मिलता था और 11 साल में मात्र 2000 रुपया की बढ़ोतरी होती है। इस देश के प्रधानमंत्री जी 29 जुलाई 2020 को बड़े बड़े ढोल नगाड़े लेकर नई शिक्षा नीति लेकर आते हैं। जब नई शिक्षा नीति आप पढ़ेंगे तो 5.5 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के सारे विषयों को मुख्य विषय बनाते हुए हमें अस्थायी अध्यापक बनाना है। लेकिन 4 साल हो गए, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार हम अनुदेशकों को स्थायी अध्यापक नहीं बना पाई है। तो ट्रेड यूनियन बल, हम तो इस देश के नौनिहालों का भविष्य बनाने के लिए आए हैं ना, हम तो उन विद्यालय में बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आए हैं ना, हमें कौन मजबूर करता है इलाहाबाद दौड़ने के लिए, हमें कौन मजबूर करता है दिल्ली दौड़ने के लिए, हमें कौन मजबूर करता है लखनऊ की निदेशालय पर जाकर धरना देने के लिए, ये सरकार मजबूर करती है। 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, मार्च 2017 में हम लोग का 17000 पास करते हैं और आज तक 7 साल हो गए, आज तक हमें 17000 का भुगतान नहीं मिला। हम 3 जुलाई 2019 को माननीय लखनऊ हाई कोर्ट से जीत के आए, 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीत के आए, ये सरकार डबल बेंच में चली गई और डबल बेंच ने भी 2 दिसंबर 2022 को कहा कि इनको 17000 का भुगतान करो, ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। 300 रुपया प्रतिदिन पाने वालों से ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 अगस्त 2023 को कहा कि अरे प्रभु, यही लाइन है जज महोदय का कि अरे प्रभु आप यहां कैसे आ गए, आप पहले जाइए इनके 17000 का भुगतान करिए तब यहां पर आइए। लेकिन उसको भी लगभग 1.25 साल हो गए, आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार 17000 नहीं दे पाई। 300 रुपया पे उत्तर प्रदेश का अनुदेशक वो सारा काम करता है जो एक अध्यापक बंधु हमारे करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ये दोहरा चरित्र, ये दोगलापन का बार हम अनुदेशकों के साथ करती है और हम उन ट्रेड यूनियन का हिस्सा कौन बनना चाहता है? सर हम तो पढ़ाने आए हैं ना, सरकार मजबूर करती है, योगी सरकार मजबूर करती है हमें ट्रेड यूनियन का हिस्सा बनने के लिए।